So very good morning students, we will continue our lecture on GST. कल जो हमारा lecture हुआ था उसमें हमने what are the conditions to be satisfied in order to opt for composition scheme ये discuss किया था. Okay, इसमें हमने reverse charge mechanism को detail में discuss किया था. कल का पूरा lecture हमारा जो था वो reverse charge mechanism discuss करने में ही निकला था, वो detail में हमने discuss किया था. अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ने के बाद और बाकी कंडीशंस पढ़ने के बाद लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंपोजिशन स्कीम कि भाई कंपोजिशन स्कीम में आपको जो जीएसटी लगता है वो कितना लगता है. ओके, तो इट विल डिपेंड अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, जो आपके अलग अलग बिजनेस है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना जीएसटी लगता है. नॉर्मल जो जीएसटी का रेट होता है, ओके, जस्ट लेट मी राइट हियर, नॉर्मल रेट ऑफ जीएसटी. नॉर्मल रेट क्या होता है, मैक्सिमम जितनी भी कमोडिटीज है उनपे 18% जीएसटी लगता है, कुछ पे 12% भी लगता है और कुछ पे उससे कम भी लगता है. और एक जब जीएसटी शुरू हुआ तब एक 28% का भी स्लैब था. बहुत सारी चीजें 28% से बाद में 18% पे ले गई है, बहुत कम चीजें 28% पे आती है, मैक्सिमम चीजें जो है वो 18% पे. ओके, सो दिस इज द, इसे कह सकते हैं कि दिस इज द नॉर्मल रेट फॉर जीएसटी 18%. लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं तो आपको ये जो नॉर्मल रेट है जीएसटी के ये नहीं लगते. ओके, कंपोजिशन स्कीम में नॉर्मल रेट जो होते हैं जीएसटी के वो नहीं लगते, आपको जो है वो सब्सिडाइज्ड कम रेट्स लगते हैं. जो रेट्स होते हैं बहुत ही एज कंपेरेटिवली बहुत ही कम रेट्स आपको जीएसटी के लगते हैं. तो देखिए जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या जो ट्रेडर्स होते हैं, ओके, मैन्युफैक्चरर्स या तो फिर ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स मतलब जो लोग किसी गुड को मैन्युफैक्चर करते हैं, ओके, और ट्रेडर मतलब क्या कि ऐसे लोग जो गुड्स को मैन्युफैक्चरर्स के पास से खरीदते हैं और होलसेलर्स को बेचते हैं. ओके, तो ऐसे लोग जो मैन्युफैक्चरर हो गए या ट्रेडर्स हो गए उनको जीएसटी कितना लगेगा, 1%, 1% ऑन टर्नओवर. ओके, 1% ऑन टर्नओवर. और ये जो 1% रहेगा इसमें से आधा परसेंट सीजीएसटी होगा और आधा परसेंट एसजीएसटी होगा. ओके, आधा परसेंट सीजीएसटी होगा और आधा परसेंट एसजीएसटी होगा. तो जो मैन्युफैक्चरर्स है या ट्रेडर्स है उनको टोटल कितना परसेंटेज लगता है, देखो 0.5%, 0.5% एसजीएसटी और टोटल 1%. ओके, मतलब 1% ऑन टर्नओवर. मतलब अगर कोई छोटा मैन्युफैक्चरर है या कोई छोटा ट्रेडर है जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आता है और उसका जो टर्नओवर है वो जस्ट लेट अस से फॉर स्टेट ऑफ एग्जांपल यहाँ पे देने के लिए लेट अस से कि उसका क्वार्टरली टर्नओवर है रुपीज 10 लाख. ओके, 10 लाख रुपीज का उसका टर्नओवर है तो 1% के हिसाब से कितना टैक्स पे करेगा वो, बताइए मुझे. हाउ मच टैक्स विल बी पेएबल? 10,000. तो ये जो 10,000 का टैक्स होगा इसमें सीजीएसटी होगा 5,000 रुपीज का, एसजीएसटी होगा 5,000 रुपीज का और टोटल टैक्स कितना पे करेगा वो, टोटल टैक्स कितना पे करेगा तो 10,000. टोटल टैक्स कितना पे करेगा, 10,000. तो जो भी आपका टर्नओवर होता है, जो भी आपका टर्नओवर होता है उस पर 1% के हिसाब से, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो तो आपको 1% के हिसाब से कंपोजिशन स्कीम के अंदर टर्नओवर पे जीएसटी पे करना है. ओके, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं रहते थे और आपका टर्नओवर अगर 10 लाख रुपए का होता था तो आपको कितना जीएसटी पे करना पड़ता था वो भी ध्यान में रखो. एक 10 लाख पे आपको 18% जीएसटी लगता था.
कितना 18%, कितना होता है 10 लाख का 18%? अठारह हजार नहीं, बराबर से कैलकुलेट करके बताओ। 1,80,000। 1,80,000। देखो डिफरेंस, देखो कितना आ रहा है टैक्स का। ओके, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं रहते थे तो आपको 1,80,000 रुपए पे करने पड़ते थे, जिसमें से 90,000 सीजीएसटी के थे और 90,000 एसजीएसटी के थे। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट ऐसा हो सकता था आपको जो यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे आपको 10,000 सीधा पे करने जा रहे हैं। ओके, सपोज ये जो 10 लाख रुपए का आपने सेल किया है, 1,80,000 रुपए आपने इस पे टैक्स पे करना है। ओके, सपोज ये जो सामान था, ओके, ये जो गुड्स थे, ये आपने ₹8 लाख में खरीदे थे। ओके, 8 लाख रुपए में आपने इसको परचेस किया था, तो परचेस करते वक्त आपने इस पे 18% के हिसाब से कितना टैक्स पे किया होगा? 8 लाख का 18% करो। कितना होता है? 1,44,000। ओके, 1,44,000। हाँ, तो ये जो 1,44,000 है, ये ऑलरेडी परचेस करते वक्त हमने पे कर दिया था। ओके, अब ये 1,44,000 में से सीजीएसटी का हिस्सा और एसजीएसटी का हिस्सा अलग अलग कर दो, 72,000 आएगा। सीजीएसटी है 72,000, एसजीएसटी है 72,000। मतलब फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? देखो, इतना पे करना है सेल पे और इतना आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। ओके, तो 90,000 में से 72,000 जो ऑलरेडी परचेसिंग के टाइम पे कर चुके हो, वो माइनस कर लो, कितना बचता है? कितना आता है? बराबर है क्या? 18,000। देखो, यस सर। तो ये जो हुआ ना बेटा, नॉर्मल केसेस में इसको हम लोग कहते हैं, ये जो प्रोसेस हुई कि भाई खरीदी पे जो टैक्स आपने वसूला, ये खरीदी पे टैक्स वसूला, और सॉरी बिक्री पे आपने ये टैक्स वसूल किया 1,80,000, और खरीदी पे इतना टैक्स आपने पे किया था 1,44,000। तो ये जो पे किया हुआ टैक्स है, इसको कलेक्टेड टैक्स में से एडजस्ट करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेट ऑफ। ओके, सेट ऑफ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सेट ऑफ। टैक्स को सेट ऑफ किया, खरीदी पे जो टैक्स पे किया था, उस टैक्स को जो हमने जब सेल किया उस टैक्स के साथ सेट ऑफ किया। सेट ऑफ करने के बाद अमाउंट कितनी आ रही है? सिर्फ 36,000 आ रही है। तो ऐसे टाइप का सेट ऑफ जो है वो कंपोजिशन स्कीम को अप्लीकेबल नहीं रहता। ये मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, आज भी पढ़ा रहा हूं। कंपोजिशन स्कीम को इस तरीके का सेट ऑफ एप्लीकेबल नहीं रहता। कंपोजिशन स्कीम में आपने जो परचेस किया था उसके उसका 1% कैलकुलेट करके इसके अगेंस्ट आपको सेट ऑफ मिलेगा नहीं। यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो भी आपने सेल किया है उस पे 1% सीधा सीधा कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे कर देना है। ये सब जो इसमें जाना नहीं है आपको। ओके, तो अब बहुत सारे केसेस में कैसा होता है कि कुछ बिजनेसमैन जो होते हैं, भले ही उनका टर्नओवर कम होगा, स्टिल वो लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, कभी कभी मतलब मैक्सिमम केसेस में ये जो चीज है ना, ये जो वर्किंग है, ये ज्यादा इफेक्टिव रहती है, इससे बहुत कम टैक्स लायबिलिटी आती है। अब आप बोलोगे कैसे आती है? तो ये तो मैंने आपको बहुत ज्यादा मार्जिन लिया, 8 लाख में चीज खरीदी और 10 लाख में बेची, इसके लिए 36,000 रुपए टैक्स पे करने को आ रहा है। लेकिन जो रियलिटी होती है, जो रियल वर्ल्ड होता है, उसमें इतना टैक्स नहीं पे करने को आता है। देखो मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। रियल वर्ल्ड में जो व्यापारी होगा वो ज्यादा से ज्यादा कितना 5% या 10% पे बिजनेस करता है। मतलब अगर कोई चीज वो 10 लाख रुपए में बेच रहा है तो मैक्सिमम अगर उसने वो चीज ये मैक्सिमम वो चीज सपोज अगर उसने यहाँ पे 9 लाख या तो फिर
50,000 रुपीज में अगर उसने परचेस किए गुड्स, ओके जस्ट टेक दिस एग्जांपल, 9,50,000 रुपीज में अगर उसने गुड्स परचेस किए, तो अब वो कितना टैक्स पे, उसने ऑलरेडी कितना टैक्स पे कर लिया होगा 9,50,000 पे, बताओ मुझे 18% के हिसाब से। आ रहा है क्या सभी का? यस सर। डिवाइडेड बाय 2 कर लो, 85,500 मतलब कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है उसको सेट ऑफ करके? सिर्फ 9,000 का टैक्स पे करना पड़ रहा है, ओके सिर्फ 9,000 का टैक्स पे करना पड़ रहा है, 4,500 CGST और 4,500 SGST। तो अभी ये दोनों सिनेरियोज में से बिजनेसमैन को कौन सा सिनेरियो प्रॉफिटेबल जा रहा है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहिए उसको या नहीं जाना चाहिए कंपोजिशन स्कीम में? कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहिए। क्यों? कंपोजिशन स्कीम में कितना टैक्स पे करने पा रहा है? देखो कंपोजिशन स्कीम में कितना टैक्स पे करने को आ रहा है? 10,000, कोई सेट ऑफ नहीं मिल रहा। और ये जो है ये नॉर्मल स्कीम है जो हर एक व्यापारी को लगती है, और हर एक व्यापारी को जो लगने वाली स्कीम है उसमें कितना टैक्स पे करने को आ रहा है? 9,000। तो कहां पे फायदा हो रहा है बिजनेसमैन का? यहाँ पे 10,000 पे करने पड़ रहे हैं, यहाँ पे 9,000 पे करने पड़ रहे हैं, कहां पे फायदा हो रहा है? सेटअप में यहाँ पे फायदा हो रहा है, कम टैक्स पे करना पड़ रहा है ना, 9,000 रुपए पे करना पड़ रहा है, यहाँ पे 10,000 पे करना पड़ रहा था, ओके। तो हर एक बिजनेसमैन को उसके बिजनेस के हिसाब से पहले सोचना है कि थोड़ा कैलकुलेशन करके देखना है कि भाई उसके लिए कंपोजिशन स्कीम ठीक रहेगी या नॉर्मल जीएसटी की स्कीम ठीक रहेगी, ओके। नॉर्मल जीएसटी की स्कीम में उसका एक फायदा होता है कि ये सेट ऑफ उसको मिलता है जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं मिलता। तो अगर उसका टर्नओवर ज्यादा है और प्रॉफिट मार्जिन कम है तो नॉर्मल स्कीम में जाना उसके लिए अच्छा रहेगा। अगर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है तो कंपोजिशन स्कीम फायदे में रहती, ओके। तो हर एक बिजनेसमैन अपने लेवल पे डिसाइड करेगा कि उसको कंपोजिशन स्कीम पे जाना है या नहीं जाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक बार आप कंपोजिशन स्कीम में चले गए तो उसके बाद पूरा साल भर आपको कंपोजिशन स्कीम में ही रहना है, फिर आप साल के बीच में नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट नहीं कर सकते। वैसे ही एक बार अगर आप नॉर्मल स्कीम में चल रहे हो तो साल भर पूरा आपको नॉर्मल स्कीम में निकालना है, फिर आप साल के बीच में से कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। सो यहाँ पे रेट्स देख लीजिए अलग अलग, मैन्युफैक्चरर्स को 1% लगता है, ऐसे रेस्टोरेंट्स जो सिर्फ रेस्टोरेंट है बियर बार वगैरह नहीं है या अल्कोहल जो सर्व नहीं करते वो कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं और उनको सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा उस पर, ओके। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, कुछ स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइडर्स का लिस्ट दिया गया है गवर्नमेंट ने जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ सकते हैं, उनके लिए रेट होता है 6%, ओके। सिर्फ इतने ही 3 कैटेगरी के लोग हैं जिन पे कंपोजिशन स्कीम चलता है, मैक्सिमम रेट जो है कंपोजिशन स्कीम का वो है 1%, ओके। इज दिस क्लियर? आई होप रेट आपको क्लियर हो गए कंपोजिशन स्कीम के। देखो ये लाइन ध्यान से पढ़ो, ये अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया वही लाइन ही है। द कंपोजिशन डीलर हैज टू मेक जीएसटी पेमेंट्स towards the goods and services purchased by him out of his own pocket, okay, he cannot claim input tax credit on the same। जैसे यहाँ पे ये composition dealer है और ये normal dealer है, तो normal dealer को जो खरीदी किया है उसने purchases किया है उस पर जो tax pay किया है वो cut करके मिल रहा है इसमें से, okay, उसको सिर्फ बाकी के amount पे tax pay करना है। ऐसी फैसिलिटी कंपोजिशन डीलर को ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती, ओके। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डीलर को मिलती है, यही चीज यहाँ पे लिखा गया, ओके। अब जो कंपोजिशन डीलर होगा उसको रिटर्न कैसे फाइल करना है? तो उसको रिटर्न जो है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है। नॉर्मल जो डीलर होगा, ये जो नॉर्मल डीलर्स है इनको मंथली रिटर्न फाइल करना होता है।
ओके, हर महीने उनको रिटर्न फाइल करना होता है, डेट्स वगैरह आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, अभी सब ये मत पढ़ो। जो नॉर्मल डीलर्स होते हैं उनको इतना याद रखो कि उनको रिटर्न कैसे फाइल करना होता है मंथली, लेकिन जो कंपोजिशन डीलर्स होते हैं उनको रिटर्न फाइल करना होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? एवरी 3 months, ओके, हर 3 महीने में एक ही बार रिटर्न फाइल करना होता है, मतलब साल में सिर्फ 4 रिटर्न फाइल करने होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल डीलर्स होते हैं उनको मंथली रिटर्न फाइल करना होता है, साल में 12 रिटर्न उनको फाइल करने होते हैं। GSTR उनको जो फॉर्म लगते हैं 1, 2, 3 और एनुअल रिटर्न भी फाइल करते हैं वो लोग, GSTR 9B, आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे जस्ट मैं एक्सप्लेनिंग के लिए पढ़ा रहा हूँ। और जो कंपोजिशन डीलर होते हैं उनको ये 3 फॉर्म हर महीने नहीं भरने पड़ते, उनको सिर्फ लगता है GSTR 4, ओके, GSTR 4 नंबर का फॉर्म लगता है और एनुअल रिटर्न इनको भी भरना पड़ता है। एनुअल रिटर्न साल में एक बार, साल खत्म होने के बाद इनको लगता है 9A, ओके, इनको लगता है 9A, देखिए यहाँ पे भी लिखा होगा GSTR 9A एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल करना होता है, और क्वार्टरली में हर क्वार्टर में आपको GSTR 4 फाइल करना होता है। कब तक फाइल करना होता है? क्वार्टर खत्म होने के बाद का जो महीना होगा उसकी 18वीं तारीख तक, 18th of the next month, मतलब देखो यहाँ पे क्वार्टर कैसे होते हैं, अप्रैल से चालू होने वाला क्वार्टर होगा, अप्रैल से जून, ओके, अगला क्वार्टर होगा जुलाई अगस्त सितंबर, तो जुलाई से सितंबर, तीसरा क्वार्टर होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अक्टूबर से दिसंबर, और आखिरी क्वार्टर होगा जनवरी फरवरी मार्च, मतलब जनवरी से मार्च। तो क्वार्टरली रिटर्न कैसे फाइल करने है? देखो ध्यान से, अप्रैल से जून का क्वार्टर खत्म हुआ कि जुलाई की 18th तक अप्रैल से जून के क्वार्टर का रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए, समझ में आ रहा है? वैसे ही जुलाई से सितंबर का जो पीरियड होगा इसका रिटर्न कब तक फाइल होना चाहिए बताओ मुझे? अक्टूबर 18th of October फाइल हो जाना चाहिए। अक्टूबर से दिसंबर का जनवरी 18, ओके, समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से रिटर्न जो है वो क्वार्टरली रिटर्न जो है वो फाइल हो जानी चाहिए, ओके, 18th ऑफ नेक्स्ट ईयर। और GSTR 9A एनुअल रिटर्न हर साल के 31 दिसंबर तक फाइल होना चाहिए, ओके। सो ये है टाइम लिमिट्स GSTR रिटर्न्स को फाइल करने की। कंपोजिशन स्कीम के कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद कंपोजिशन स्कीम खत्म होती है हमारी। एडवांटेजेस क्या है कि लेसर कंप्लायंसेस, देखो यही पे आपको दिख जाता है कि जो नॉर्मल पर्सन होता है उसको 3 रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, एक सेल का, एक परचेज का और एक इन दोनों का कंबाइन, ऐसा कुछ होता ही है। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन था उसको 3 रिटर्न होता है, जो कंपोजिशन वाला होता है उसको एक ही रिटर्न होता है, ओके। तो कंप्लायंसेस कम हो जाती है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखने नहीं पड़ते, डिटेल में बुक्स बनानी नहीं पड़ती, डिटेल की इनवॉइसेस बनानी नहीं पड़ती, बहुत सारा कंप्लायंसेस का काम जो है, डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है कम हो जाता है। टैक्स लायबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होती है, टैक्स लायबिलिटी बहुत कम होती है, जो कंपोजिशन डीलर होते हैं उनको बहुत कम टैक्स पे करना पड़ता है, जिससे उनके पास कैश का अमाउंट भी ज्यादा रहता है। टैक्स कम पे करना है तो उनके पास लिक्विडिटी ज्यादा रहती है, कैश ज्यादा रहता है, ज्यादा कैश रहता है, अच्छे से बिजनेस कर पाते हैं छोटे बिजनेस में। तो ये बेनिफिट्स है कंपोजिशन स्कीम के। कुछ लिमिटेशंस भी है, लिमिटेशन सबसे बड़ा क्या है कि लिमिटेड टेरिटरी ऑफ बिजनेस। कंपोजिशन डीलर जो है वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, मतलब अगर आप महाराष्ट्र में कंपोजिशन डीलर हो तो आप महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में ही गुड्स बेच सकते हो, महाराष्ट्र के बाहर आप गुड बेच नहीं सकते, ओके। कंपोजिशन डीलर कैन नॉट मेक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, ये सबसे पहला या सबसे बड़ा लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। देखो यहाँ पे हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये
ये जो ब्लू में मैंने लिखा है ना, दिस इज नथिंग बट इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, ये इनपुट टैक्स है और ये आउटपुट टैक्स है। तो इनपुट टैक्स में से आउटपुट टैक्स, सॉरी आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस हो जा रहा है, क्रेडिट मिल रहा है आपको, टैक्स सिर्फ 4,500 रुपए पे पे करना है। ऐसा कोई बेनिफिट कंपोजिशन डीलर को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इज द सेकंड लिमिटेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। तीसरा, टैक्स पेयर विल नॉट बी एलिजिबल टू सप्लाई एग्जेम्प्टेड गुड। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि एग्जेम्प्टेड गुड आप सप्लाई नहीं कर सकते, या ई कॉमर्स पोर्टल से आप गुड सप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर आप चाहते हो कि भाई मैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे से मेरे गुड्स या प्रोडक्ट्स को बेचूं, तो आप अगर कंपोजिशन स्कीम में हो तो आप ये काम नहीं कर पाओगे, आपको नॉर्मल जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो ही आप ई कॉमर्स के पोर्टल से आपके गुड्स को बेच सकते हो। ओके, सो दीस आर दी डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ दी कंपोजिशन स्कीम। दो मिनट के लिए मैंने मेरा स्क्रीन शेयरिंग रोका है, लेट मी जस्ट शो यू रिटर्न ऑफ कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम का कोई रिटर्न मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये प्रैक्टिकल है, ये आपको कोई दिखाएगा नहीं, क्लास वाला तो बिल्कुल नहीं दिखाएगा, कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर है कोई तो वही पे आपको देखने को मिलेगा। तो जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी सी कि अगर मुझे मेरे पीसी में मिलता है कोई फाइल रिटर्न ऑलरेडी जो मैंने फाइल किया है, तो जीएसटी अगर 4 का अगर कोई रिटर्न मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट, देखिए यहाँ पे एक क्लाइंट है जिनके कंपोजिशन डीलर्स के अंदर है, उनके कुछ रिटर्न्स है मेरे पास, तो एक खाद रिटर्न खोल के देख लेते हैं, जैसे अप्रैल टू जून 2019 का रिटर्न देखते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये चलान है। ओके, मतलब जो पैसा पे किया उसका चलान, रिटर्न भी होगा यहाँ पे, चलान रिसीट CMT 8 statement of self processed. Okay, this is something different. GSTR 4 दिखाना है आपको। देखिए ये होता है कंपोजिशन डीलर का रिटर्न, नेम ऑफ द डीलर, इनवर्ड सप्लाईज, कितना परचेसिंग किया, तो 4,82,000 का, 4,52,000 का परचेसिंग किया, वैल्यू ऑफ गुड्स इतना था, टैक्स इतना था, इनवर्ड सप्लाई, रजिस्टर्ड सप्लाई, अनरजिस्टर्ड सप्लाई, ऐसे डिटेल अगर होता है, इम्पोर्ट किया तो इम्पोर्ट, बाकी सब 0,0 आएगा, सिर्फ नॉर्मल जो परचेसिंग किया है वो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है कि 4,52,000 का परचेसिंग हुआ है, परचेसिंग हुआ। सेलिंग कितना हुआ है, सेलिंग का अलग से होगा, यहाँ पे नीचे कहीं पे वैल्यू देखो, ये देखो टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, कितना टैक्स पे करना पड़ता है वो देखो, 6,37,680 रुपीस का टर्नओवर था इनका क्वार्टर में, तो इस पे जीएसटी कैसे कैलकुलेट हुआ है वो भी देखो, कितने परसेंट से हुआ है वो भी देखो, 6,37,680 पे 1% कितना होता है, 6,376 / 2 3,188 रुपीस 40 पैसा सीजीएसटी, देखो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, 3,188.40 स्टेट टैक्स, समझ में आ रहा है? तो ये जो अमाउंट है इस पे 1% के हिसाब से 6,376 रुपीस टैक्स आता है, जिसमें से 3,188 सेंट्रल टैक्स को पे करना होता है, 3,188 स्टेट गवर्नमेंट को पे करना होता है। ओके, तो इस तरीके का ये आपका रिटर्न होता है, उसके ऊपर जो आपने ऑलरेडी चलान पे किया है वो यहाँ पे आता है, देखिए आपने पे कर दिए उतने पैसे, 3,188 राउंड ऑफ करके, क्योंकि 40 पैसे तो पे नहीं होते, 3,188 आपने पे कर दिए हैं सेंट्रल टैक्स को, और 3,188 आपने स्टेट टैक्स को पे कर दिए, ये आपका GSTR 4 का रिटर्न है। ओके, इस तरीके का आपको हर क्वार्टर में रिटर्न फाइल करना होता है। ओके, इस तरीके का हर क्वार्टर में आपको रिटर्न फाइल करना होता है, एनुअल रिटर्न भी होगा यहाँ पे, अगर होगा तो दिखाता है, GSTR 9A annual return, okay? पूरे साल भर का जो टर्नओवर है वो आएगा यहाँ पे,
कितने परसेंट से टैक्स पे किया है वो आएगा। देखिए साल भर का टर्नओवर 13,73,000 था, कंपोजिशन डीलर है 7,000, लगभग 7,000 रुपीज का स्टेट टैक्स, 7,000 रुपीज का सेंट्रल टैक्स पे किया है, और पूरे वही डिटेल्स होगी। लेकिन जो जीएसटीआर 4 में क्वार्टरली डिटेल्स थी, यहाँ पे वो डिटेल्स पूरे साल के लिए होगी। जैसे कि डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, कितनी खरीदी की है, 9,80,000 रुपीज की परचेसिंग की है, ओके और सेलिंग कितना किया है, सेलिंग ऊपर ही दिख दिया है हमने, 13,73,000 का सेलिंग किया है, और ये 13,73,000 पे टैक्स जो पे किया है वो इतना टैक्स पे किया है, ओके। तो इस तरीके से ये आपका जो एनुअल रिटर्न होता है जीएसटी का वो है, ओके। तो इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ हर क्वार्टर में एक रिटर्न, मतलब टोटल 4 रिटर्न और एक एनुअल रिटर्न, मतलब सिर्फ 5 ही रिटर्न कंपोजिशन डीलर्स को फाइल करने होते हैं, और जो बाकी के डीलर्स होते हैं उनको हर महीने 3 रिटर्न, ओके हर महीने 3 रिटर्न, मतलब 12 × 3 36 प्लस साल का एक, मतलब 37 फॉर्म्स नॉर्मल डीलर को पे करने भरने होते हैं, और 5 फॉर्म्स कंपोजिशन डीलर को पे करने होते हैं, दैट इज द डिफरेंस। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि बहुत कम कंप्लायंसेस होती है कंपोजिशन स्कीम के, ओके। आई होप कंपोजिशन स्कीम सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, थोड़ा आप घर पे पढ़िए। एग्जेम्प्टेड सप्लाई कुछ नहीं, एकदम इजी है। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज मतलब 3 टाइप के सप्लाई होते हैं, ऐसे सप्लाईज जो इनपे 0% टैक्स लगता है, या तो फिर गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके उनपे 0% टैक्स लगाया गया है, या ऐसी चीजें जो जीएसटी के डेफिनेशन के अंदर ही नहीं आती। ऐसी 3 चीजें, ऐसी चीजें जो जीएसटी के डेफिनेशन के अंदर नहीं आती, ऐसी चीजें जिनपे गवर्नमेंट ने टैक्स हटाया हुआ है, या ऐसी चीजें जो टैक्सेबल है लेकिन 0% से टैक्सेबल, ओके ये सब चीजें आती है। कैलकुलेट, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर कैलकुलेशंस कैसे किए आपने, तो दैट इज द गुड थिंग अबाउट जीएसटी। आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करने पड़ते, आप जब रिटर्न भरते हो जीएसटी के पोर्टल पे, तो आपको सिर्फ परचेस और सेल्स की वैल्यूज डालनी होती है। जो भी कैलकुलेशन होता है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली करके आपको देता है, ओके आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, इट्स वेरी वेरी सिंपल, ओके। सो यू डोंट नीड टू डू एनी कैलकुलेशंस, आपको सिर्फ परचेस का फिगर और सेल्स का फिगर लिखना होता है, और जो भी कैलकुलेशन होता है वो सिस्टम खुद करता है, ठीक है। तो ये जो है ये आपने खुद पढ़ लेना है, इट्स वेरी इजी, और इस पर हम लोग कल एक नेक्स्ट लेक्चर में एक बार डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर जो है ये हमारा खत्म होता है। अभी सीधा अगला चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिस रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, ओके कैसे कैसे लोग इसमें, कौन से लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं जीएसटी के अंदर, और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ये पूरा चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। जो मेरी बुक है उसमें भी मैंने ये स्क्रीनशॉट्स दिए हैं, जीएसटी के वेबसाइट पे कैसे जाना है, कौन सा बटन क्लिक करना है, किस तरीके से रजिस्टर करना है, ये सब चीजें हम लोग थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ओके। सो ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे रुकते हैं, अटेंडेंस में आप लोगों के साथ शेयर करें।